रियलमी 11 सीरीज में जो फ़ोन आ रहा है ना वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छे अच्छे लुक और डिज़ाइन में फ़ोन है। बस इसी बीच में ना रियलमी ने दो फ़ोन और लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है रियलमी 11 5G और 11X 5G। ये दो फ़ोन जो है ना काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी बढ़िया लुक है और इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम लगती है। सबसे बढ़िया तो इसका बैक है, इसका वो काफ़ी प्रीमियम और स्लिम, काफ़ी प्रीमियम फ़ोन ही पूरा प्रीमियम और बेहतरीन लुक वाला है। और फ़ोन के बारे में आपको पूरा रिव्यू देंगे और ये दोनों फ़ोन में क्या डिफरेंस है और क्या क्या है इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो हाँ, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सर आप देख रहे हो 2.2 टेक। तो बात करते हैं ये जो तो फ़ोन निकाला है रियलमी ने 11 5G और 11X 5G। 11X 5 मतलब थोड़ा अलग है 11 5G से, बाकी जो डिफरेंस है मैं वीडियो में बता दूंगा अगर जो नहीं जगह। बात करते हैं डिज़ाइन की ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक दे रहा है यार, और क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। पीछे से लुक उसका बहुत बढ़िया है। अब तो मतलब कि सर्कल में आपको कैमरे मिलेंगे, एक सर्कल बनाया है उसके अंदर दो कैमरे आपको मिलेंगे। उस फ़ोन में दो कैमरे हैं, वो कैमरा काफ़ी बढ़िया है और कैमरे के बारे में भी बात करेंगे। लुक लेकिन काफ़ी बढ़िया है। बैक आपको मिल जाएगा प्लास्टिक बैक, और फ्रेम जो आपको मिल जाएगा मेटल फ्रेम मिल जाएगा। आगे आपको डिस्प्ले के साथ आपको काफ़ी ग्लास बेहतरीन वाला मिलेगा, कहने का मतलब ये है। बाकी बात करते हैं इसके वेट की, तो 190 ग्राम इसका वेट मिल जाएगा। बात करते हैं इसके अंदर आपको ड्यूअल सिम नैनो आप लगा सकते हैं और SD कार्ड भी लगा सकते हैं। कलर की बात करें तो मैग्नेटिक ब्लैक, और आपको मिल जाएगा इसके साथ सनराइज गोल्ड, दो कलर आपको मिल जाएगा। 11X 5G में जो कलर मिलेंगे मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा और मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस डिस्प्ले की ओर, और डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है फ़ोन के हिसाब से, फ़ोन के डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले की साइज़ है 6.72 का डिस्प्ले है और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, 550 निट्स टाइप आपको मिल जाएगा और 680 निट्स HBM मिल जाएगा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की 1080p x 2400 pixels के साथ आपको 392 PPI डेंसिटी आपको मिल जाएगा। ये रही डिस्प्ले की बात। आते हैं अब इसके नेटवर्क की बात, नेटवर्क की, तो नेटवर्क 5G 4G 3G 2G आपको मिल जाएगा, और ये तो मान लीजिए सब में आता है 5G 4G 3G 2G 5G अब फ़ोन आता है तो भाई 5G आएगा। बात करते हैं इसके नेटवर्क की, मतलब कि लाइट आपको मिल जाएगा, GSM मिल जाएगा और HSPA मिल जाएगा हस्पा। और बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म यानी इसके वर्जन की, एंड्रॉयड वर्जन 13 पे रन कर रहा है रियलमी UI 4.0 पे। और प्रोसेसर सबसे मेन बात है, इसका इंजन कितना आपके दिमाग में होगा यार कि इंजन कितना मतलब कि इसका है, मीडियाटेक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 600+6 NM आपको मिल जाएगा। और प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, गेम वगैरह अच्छे तरीके से आप खेल सकते हो और मतलब कि बढ़िया तरीके से आपका फ़ोन रन करेगा। ये चीज़ मुझे ज़्यादा इसमें अच्छा लगा, और सेम यही प्रोसेसर उसमें भी है 11X 5G में। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर से, जो है इसका प्राइस आपको 20,000 या 21,000 तक में मिल जाएगा अभी तो, कि मैंने मतलब जहाँ तक इसे ढूंढा है यानी चेक किया है वेबसाइटों पे इसके, अभी तक तो मतलब मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी जगह ऐसे मैंने देखा है कि 20,000 21,000 तक के इसका प्राइस आपको मिल जाएगा। अब आने के बाद पता नहीं कितना इसका प्राइस हो। अब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि प्रोसेसर तो बता दिया, प्रोसेसर तो ठीक है, लेकिन रैम और स्टोरेज कितनी होगी। 8256 आपको मिल जाएगी और 8128 भी मिल जाएगा, और 11X 5G में जो आपको मिलेगा रैम वो आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, और माइक्रो SD कार्ड आपको स्लॉट मिल जाएगा लगाने का, ये भी हो गया आपका। और बात कर लेते हैं भाई इसके कैमरे की, कैमरा सबसे मतलब कि अच्छा होता है जब यार आप फ़ोन लियो इतना बढ़िया, तो कैमरा तो ज़रूरी है ना। फ़ोटो वोटो कहाँ से खींचोगे यार, फ़ोटो के खींचने के लिए और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्वालिटी रहती है और कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगता है इसके बारे में बात करते हैं। इस फ़ोन का कैमरा है रियलमी 11 5G का, 108 MP प्लस 2 MP आपको मिल जाएगा, 3x जूम के साथ आपको मिल जाएगा, 3x जूम के साथ मिल जाएगा, वाइड लेंस कैमरा आपको मिल जाएगा, वाइड कैमरा
और वीडियो क्वालिटी की बात करें 1080p एंड 30fps पे वीडियो आपको रिकॉर्ड करके देगा। काफ़ी बेस्ट सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और ये वीडियो क्वालिटी कितना रिकॉर्ड करके देगा पता है, 1080p भाई, जो मतलब कि क्वालिटी सेम मतलब कि 108 मेगापिक्सल की है रिकॉर्ड करने की, बाकी डिफरेंस हो सकता है उसके रिकॉर्डिंग में। और इस फ़ोन मतलब कि 11x5G के कैमरे की तो 64 मेगापिक्सल का इसका कैमरा मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, ये दो चीज़ आपको मिलेगी। इसके साथ LED फ्लैश लाइट तो मिलेगा ही, ये तो सब फ़ोन में मिलता है भाई, बिना LED फ्लैश लाइट के कहाँ काम होगा, LED फ्लैश लाइट होना ज़रूरी होता है। बात कर लेते हैं इसके स्पीकर की, तो आप मूवी देखोगे, म्यूज़िक सुनोगे और काफ़ी अच्छा स्पीकर होना चाहिए, तो लाउड स्पीकर आपको मिलेगा 24 बिट्स का, आपको लाउड 3.5mm जैक आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी की, तो ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई, हॉटस्पॉट और काफ़ी सारे फीचर मिल जाएंगे और USB टाइप सी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ NFC भी मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं भाई सेंसर की, सेंसर में काफ़ी सारे सेंसर आते हैं, जैसे कि आपका हो गया जायरो और फिंगर, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, साइड यानी साइड माउंट फिंगरप्रिंट आपको मिल जाएगा, जायरो मीटर आपको मिल जाएगा और उसके साथ आपको प्रॉक्सिमिटी मिल जाएगी और उसके बाद कैंपस मिल जाएगा, कैंपस जो आपका होता है नॉर्थ साउथ ये सारा चीज़ बताता है। बैटरी की बात कर लेते हैं तो 5000mAh की बैटरी और लिथियम बैटरी है और 67W का फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगा, 50% आपको 17 मिनट में चार्ज करके आपको दे देगा। और इसके साथ आप बात करते हैं 11x5G गेम, ये इसकी मतलब कि बैटरी भी 5000mAh की है और ये आपको 32W का फास्ट चार्जिंग, 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देगा। तो ये कुछ रहा अपना ये दो फ़ोन, बाकी जो चीज़ आपको मतलब कि 11x5G में जो बताना है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, उसको बता दूंगा। और बाकी फ़ोन कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको फ़ोन का कलर कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, 11x5G का अच्छा लगा कि 11 5G का अच्छा लगा, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ਚੇਜ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੀ ਵੈਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਪੈਂਟ ਨੀ ਚੱਕਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਪੈਂਟ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ।